अरे मैम आप यहाँ पर, मैंने तो रेंट भर दिया है ना मैम। मुझे पता चला है मेरे घर में कुछ गलत काम हो रहा है, क्या चल क्या रहा है ये सब? मैम क्या चलेगा, यहाँ पर मेरे अलावा कोई नहीं है। ये देखिए ना, मैं अपने गेम से खेल रहा था मैम। मुझे बेवकूफ समझ रखा है? मैम मैम मैं कह रहा हूँ ना, यहाँ पर कोई नहीं है मैम। मैम आप क्या फाइंड कर रही है मैम? मैम मेरी बात तो सुनिए मैम, यहाँ पर कोई नहीं है। मैम कोई नहीं है, मैं कह रहा हूं ना आपसे, मैम क्या फाइन कर रही हैं आप? मैम आपको यहां आना नहीं चाहिए था। ये सब क्या है? और ये शान है कौन? नहीं दूर आ गए, अब मैं रुक नहीं सकता। कल जो मुझे करना है वो मैं करके ही रहूंगा। अभी तक तो आ जाना चाहिए था उसे, बहुत देर हो गई है। चारों कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? What? कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है ना? How would I know? जिसे पूरे ग्रुप की रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है उससे पूछो। Why are you asking me? अभी तक आया नहीं? टाइम तो हो गया है। ये बात तो हमें तुमसे पूछनी चाहिए मिस रोशाली। तमीज से बात करो शारू, ये कोई तरीका नहीं है बॉस से बात करने का। मैं पता लगाती हूँ। बॉस माय फुट। क्या है ये? ओके बॉस, तेमा, मैंने तुझे अपना समझा था और तूने धोखे से मेरा ही साइन लेके मेरा घर छीन लिया मुझसे। तुझे ऑफिस में मुझे डिमोशन करवा के तुझे चैन नहीं मिला था? देख देख अब मैं क्या करती हूँ, मैं कौन तक जाऊंगी? तू कोर्ट जा, पुलिस के पास जा, चीख चिल्ला, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये घर अब मेरा है। कोई काम कर, सामान उठा, निकल यहां से। गेट आउट ऑफ माई हाउस नाउ। और चारू अपने ही घर से बेइज्जत करके निकाली गई, ऐसी बात कोई भूल सकता है क्या? नहीं ना, चारू भी नहीं भूली। बदला तो मैं तुझसे जरूर लूंगी, बस एक बार मुझे मौका मिल जाए। देख फिर मैं तुझे कैसे साफ करती हूँ। ये सुमित फोन भी नहीं उठा रहा है, बस भी नहीं आई अभी तक। ये लो, बस आ गई फाइनली। ये तो वो बस नहीं है जिसकी पिक्चर मुझे मिली थी। शान, हाय। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? और इस बस में तुम? सुमित कहाँ है? वो एक्चुअली कल रात सुमित का एक्सीडेंट हो गया, इसलिए बॉस ने मुझे उसकी जगह पे भेजा है। कोई होशियारी मत दिखाना। आई एम वॉचिंग यू। माई प्लेजर। चलो सब गाड़ी में बैठो। रोशाली, अब से तुम्हारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू। नाउ जस्ट वेट एंड वॉच तुम्हारे साथ आगे क्या क्या होता है।
अब परेशान होने की जरूरत नहीं, सब कुछ प्लान के हिसाब से ही चल रहा है। कल की ट्रिप में तो मैं ही जाऊंगा, इसी मकसद को पूरा करने के लिए तो मैंने इस कंपनी को ज्वाइन किया है। शान, क्या मकसद है तुम्हारा? हाँ, वाओ, तो तुम छुप छुप के लोगों की बातें सुनती हो? सुनती हूँ, और अपनी कंपनी के साथ कभी गद्दारी नहीं करती और ना किसी को करने दूंगी। तुम्हारा भांडा ना मैं फोड़ के रहूंगी। Remember that. अच्छा? Yeah. क्या कहोगी तुम? क्या कहोगी? किसान इस कंपनी के खिलाफ कुछ साजिश कर रहा है, प्लान कर रहा है। क्या सबूत है तुम्हारे पास? तुम मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती हो, समझी? और मैं भी देखती हूँ तुम कॉन्फ्रेंस में कैसे आते हो। Really? अब तो गेम शुरू हुआ है, मजा आएगा। जतिन, कर रही थी तुम्हारा। तुम्हें क्या लगा? हाँ, बिना बाय बोले चला जाऊंगा। ये लो। Thank you. I'll really miss you. वहाँ पहुँचते मुझे कॉल करना, ठीक है? इतना प्यार करते हो मुझसे? अपनी जान से भी ज्यादा। मेरा बस चले ना तो तुम्हें अपनी नजरों से कभी दूर भी ना जाने दूँ। मैं ये मीटिंग जल्दी से खत्म करके आती हूँ, उसके बाद हम शादी की तैयारी करेंगे, ठीक है? चलो भाई, जल्दी करो। बदतमीज। ठीक है, मैं जल्दी आती हूँ, ठीक है? चलो भाई। भाई। शादी तो तब होगी ना जब तुम इस बस से जिंदा वापस आओगे। तुमने पुलिस से ये क्यों बोला कि मैं तुम्हें मारता हूं? बहुत दर्द हो रहा है ना, क्यों करते हो तुम ऐसा कि मुझे पुलिस से झूठ बोलना पड़े और बेरहमी से मारा ना उन्होंने। अच्छा बताओ, अब बोलोगे कभी कि मुझे छोड़ के जाओगे, मुझसे शादी नहीं करोगे? बोलो ना बेबी। हाँ नहीं, आई लव यू सो मच। इन सबसे कुछ नहीं होगा। मैं एक काम करती हूँ, मैं तुम्हारे लिए हल्दी वाला दूध लाती हूँ, उससे जख्म जल्दी भरेंगे, ठीक है? और जतिन अपना वादा निभाएगा, वो रुशाली को बिल्कुल नहीं छोड़ेगा। तू अब मेरा फायदा कभी नहीं उठा पाएगी। See you in hell, मगर 30-40 साल के बाद। आखिर इन तीनों में से कौन होगा जो रुशाली को मारकर अपना बदला पूरा करेगा? है कोई जवाब? कॉन्फ्रेंस के लिए लेट हो रहा है और इन नालायकों को खाने की पड़ी है। देख, नखरे करने की जरूरत नहीं, कुछ खा ले, लंबा रास्ता है, 4-5 घंटे आराम से लग जाएंगे। मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं, मुझे तुमसे जानने की जरूरत नहीं है। और हाँ, मेरी नजर है तुम पे,
निकलो यहाँ से अब। खाना मैम, पहले ही ऑर्डर कर दिया? जी हाँ। ठीक है, थैंक यू। अच्छा हो गया जो गाड़ी यहीं पे रोक दी, मुझे तो बड़ी भूख लगी थी यार। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अगर ऑफिस स्पॉन्सर करे तो इससे तो दिन में 5 बार भूख लगे। इससे अच्छा मौका दोबारा नहीं मिलेगा, इसे तो आज ही मारना पड़ेगा। कहां पर? सर वो अंदर स्टोर में। देख।
लाश पहले किसने देखी थी? सर मदन ने। तुमने देखी लाश? सर वो मैं स्टोर रूम में सामान लेने गया तो मैंने देखा कि आटा कहाँ है। आटा कहाँ रख दिया? ये आटा। अरे यार प्याज कौन रख दिया इसके ऊपर? हटाओ से, आराम से, आराम से। पहचानते सर? ये तो बस वाली मैडम है। बस वाली लड़की? मतलब तुम लोग जानते हो इसे? सर घंटों पहले ये मैडम अपने ऑफिस टीम के साथ एक बस में यहाँ खाना खाने के लिए आई थी। फिर उनकी टीम वालों ने बहुत ढूंढा पर वो मिली नहीं। वो वॉशरूम में नहीं है यार। देखिए यार वो तो ढाबे पे भी नहीं है। अरे वाह, वॉशरूम में नहीं है, ढाबे में नहीं है, फोन नहीं लग रहा है। ये रुशाली इतनी केयरलेस कैसे हो सकती है यार? कॉन्फ्रेंस के लिए वैसे ही लेट हो रहा है। एक काम करते हैं, उसे सब छोड़ो, हम लोग निकलते हैं यार, चलो लेट्स मूव। अरे रुशाली के बिना कैसे जा सकते हैं यार? चारू यार अब रुशाली के बाद सबसे सीनियर तुम ही हो, सो यू ओनली डिसाइड क्या करना है। आई थिंक हमें चलना चाहिए, नहीं तो हम सब कॉन्फ्रेंस मिस कर देंगे। बस का नंबर देखा किसी ने? कौन से रंग की बस थी? सफेद पीले रंग की बस थी सर, जिसका नंबर था 1SN03-2390। सारे टोल नाके और जितने भी ट्रैफिक कंट्रोल बूथ्स हैं वहाँ पे इन्फॉर्म कर देते ये बस जा भी है रोक दे। ये लड़की आखिरी बार किस तरफ जा रही थी? तुम लोग में से किसी ने देखा? सर ये लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी। लेडीज बाथरूम की तरफ? दे चो। अगर आखिरी बार ये लड़की लेडीज बाथरूम की तरफ जा रही थी तो वो स्टोर रूम में कैसे आई? स्टोर रूम में कैसे? क्या काम था उसका स्टोर रूम में? और फिर यहाँ पे आई तो मरने से पहले आई या मरने के बाद? और अगर मरने के बाद उसकी लाश को यहाँ लाया तो किसी ने तो लाया होगा ना इसे? नहीं 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 दया, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। ये लेडीज बाथरूम चेक करना पड़ेगा। ये बटन तो इसका नहीं है। सर बाथरूम से ये टिश्यू मिला है और इस पर लिपस्टिक का निशान है, पर सर ये मार्क उस लड़की का नहीं है। ये इस बाथरूम की सफाई कौन करता है? सर ये बिंदिया। बिंदिया? बिंदिया इधर आओ, इधर आओ, घबराओ मत। बाथरूम की सफाई तुम करती हो ना, तो बताओ क्या देखा तुमने? सर मैंने कुछ नहीं देखा, अगर देखा होता तो सबसे पहले आपको बताती। मैं तो खाना खाने आ गई थी ढाबे पे। इस लड़की के साथ जो कुछ भी हुआ यहाँ वॉशरूम में आने के बाद ही हुआ। तुमने वाकई यहाँ कुछ नहीं देखा? खून होते हुए तो नहीं देखा साहब, लेकिन हाँ ये मैडम के पीछे एक और मैडम को देखा था जाते हुए। और कुछ देखा तुमने? एक आदमी को देखा था, काले रंग की गाड़ी में वो भाग रहा था। हो सकता है वो खूनी हो या खूनी का कोई साथी, बस का पीछा करते करते यहाँ तक पहुंच गया, जैसे खून हो गया भाग निकला। हाँ दया बिल्कुल ऐसे ही हुआ है, पर ये जो भी कोई है ना उसी बस में है, उसी बस में। इतनी अजीब बात है, ऐसे कैसे रुशाली ढाबे से गायब हो गई और अब फोन भी नहीं उठा रही है? रुशाली की बात छोड़ो और कॉन्फ्रेंस पे ध्यान दो, हम सबको अपना अपना काम आता है, इसलिए कॉन्फ्रेंस अब हम हैंडल करेंगे, ठीक है? साहब इसके आगे का रास्ता मुझे नहीं पता है, आपने कहा था रुशाली मैडम बताएंगी, अब तो वो भी नहीं है। अरे यार क्या मुसीबत है,
एक काम करो, ये गाड़ी को साइड में रोको, मैं अथॉरिटीज को फोन करके आगे रास्ते के बारे में पता लगाता हूँ। लेकिन शान, हमें ऐसे भी कहीं भी रुकने की क्या जरूरत है यार, गाड़ी में बैठ के बात कर लो। अरे मैडम जी, आगे अक्सर नेटवर्क नहीं आता है और पहाड़ी रास्ता है, कहीं भटक गए तो वक्त पर पहुंच भी नहीं पाएंगे। ठीक ही तो कह रहा है, इधर उधर भटकने से अच्छा है कि हम कहीं पे रुक जाएं। हेलो दया सर। हाँ सर, एक ट्रैवल्स खड़ी है सफेद पीले कलर की। हाँ सर, हाईवे पर। हाँ सर, वही नंबर है सर। ठीक है सर, मैं उससे 15 मिनट तक बातचीत करता हूँ और उसे रोक के रखता हूँ। देखो, तुम लोगों को जो भी करना है ना, जल्दी करना। 30 मिनट से ज्यादा मैं इनको नहीं रुका सकता हूँ, नहीं तो इनको शक होने लगेगा। इकोली चौक से बस गुजरेगी, तुम लोग तैयार रहना। लाइसेंस दिखाना। क्या बात है साहब? लाइसेंस। साहब, गाड़ी तो साइड में पार्किंग में खड़ी है। पहले लाइसेंस दिखाओ। अरे लगता है पुलिस आ गई, मैं बाद में फोन करता हूँ। क्या नाम है तुम्हारा? मोहन। ये गाड़ी यहाँ कैसे खड़ी? पुणे जा रहे हैं। अच्छा, इंश्योरेंस के पेपर दिखाओ। है साहब। दिखाओ दिखाओ। हाय सर, मेरा नाम शान है। शान सर। सर कुछ प्रॉब्लम है क्या? दूर खड़े रहो, चलो। सर बहुत बहुत अर्जेंट काम है सर, हमें जाना है सर, गलत जगह पे गाड़ी पार्क। साहब पेपर है साहब। मुझे पता है मुझे क्या करना है। सर कुछ ले दे के खत्म करते। ठीक है, उधर जा, चल। एक मिनट। अरे लाइसेंस क्यों दिया उसे? क्या करता, मैं बाहर खड़ा हूँ, आ गया पता नहीं कहाँ से। हेलो लाइसेंस, दोबारा हाईवे पे गाड़ी खड़ी नहीं करने का। सॉरी सर जी, थैंक यू। या तो हम सबको इस बस में बिठा के आगे गांव छोड़ दे, ना तो पुलिस को बुलाते हैं यहाँ पे। वो ऐसे कैसे छोड़ दे? हाँ चलो हटो यहाँ से। वो कुछ पैर वैर नहीं टूटा है, सब नाटक है तुम लोगों का। ठीक से रेखो पर पुलिस ने फोन लगा, चोरी ने बस के नीचे कुचल दिया, सबको सबको अंदर कर दूंगा। पुलिस क्यों आएगी? इन्हें साथ में लेना पड़ेगा। हाँ ठीक है, चलो चलो अंदर बैठो बस पर। अरे बस कटे जा रही होते? अरे हम लोग पिलोरी जा रहे, वहाँ विश्व शांति सम्मेलन है। भाई साहब, ये बस पिलोरी जाए से? सबसे पहले मैं उस बटन को ढूंढना है। यस सर। अरे गोबर, अरे साहब लोगों को अपना कार दे दो। आपका कोई भी फंक्शन हो, हाँ हम लोग आ सकते हैं, अच्छा प्रोग्राम करते हैं हम लोग। भाई साहब, कार तो तुमरी के पास है। जाओ कार बांटो। जी। बहना, ये हमारा कार्ड। सर यहाँ आगे जो लाल शर्ट में लड़की बैठी है, इसका नाम चारू है।
इसकी शर्ट का एक बटन उधड़ा हुआ है, और सर बाकी के जो बटन्स हैं वो उस बटन के साथ मैच होता है जो हमें लाश के पास मिला था। सर एक और बात, बाथरूम में जो टिश्यू मिला था उसका मार्क और इस लड़की की लिपस्टिक का रंग दोनों मैच होते हैं। तो इस चारू ने ही मारा है उस लड़की को। सर बस ने रास्ता बदल दिया, ये पिलोरी नहीं कहीं और जा रही। अरे रोको रोको ड्राइवर साहब, गलत रास्ता पकड़ लिया है तुमने, पिलोरी तो पीछे छूट गया है, रोको। अरे तारा कॉन्फ्रेंस वाला रास्ता पीछे छूट गया, अरे ड्राइवर बावड़ा हो गया क्या? अरे पास रोक। बहुत हो गया तुम सबका, अब ये बस वही जाएगी जहां पर मैं चाहूंगा। चल बैठो, बैठे सुन लो। क्या करना है? करना क्या है? सफर पूरा करना है। जल्दी जल्दी जल्दी, फिलोरी जा रहे हैं, वहां विश्व शांति सम्मेलन है। जिस पल का आप सबको बेसब्री से इंतजार था वो घड़ी अब आ चुकी है। 140 देशों के लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। अब कुछ ही देर में वर्ल्ड पीस कॉन्फ्रेंस शुरू होने वाली है। ये पूरी दुनिया के लिए बहुत ही बड़ा ऐतिहासिक दिन है। इस शांति सम्मेलन के बारे में मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि आज यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे दुनिया काफी समय तक याद रखेगी।
कौन हो तुम? हाँ? कौन हो तुम? हम लोग आतंकवादी हैं। महीनों से हम लोग प्लान कर रहे थे इस कॉन्फ्रेंस को बर्बाद कर देगा, लेकिन तुम सीआईडी वालों ने पूरे प्लान पर पानी फेर दिया। तेरी बेवकूफ की वजह से ना जाने कितने बेगुनाह या मारे गए। इन्हें तो मरना ही था। अरे ऐसे जंग में तो छोटी मोटी कुर्बानियां होती रहती हैं। बकवास बंद कर। तू ये बता, इतने सारे खतरनाक हथियार तू शहर के अंदर लाया कैसे? मैंने एक घर किराए पे लिया था, वही सारे हथियार छुपा के रखे थे मैंने, लेकिन मैंने उसे भी मार दिया। वैशाली को भी तूने ही मारा है या नहीं ये तो पता चली जाएगा, मगर अब तक जो कांड तूने किए उसकी सजा फांसी से कम कुछ नहीं होगी तुम्हें। हमने किया क्या है? हमें क्यों पकड़ के लाए हैं यहाँ? देख रही है उनकी हालत? चुपचाप खड़े रह, उसी में भलाई है। चारू झगड़ालू बहन जति सताया हुआ मंगेतर और शान खतरनाक आतंकवादी। क्या लगता है रुशाली को किसने मारा होगा? सर ये बिंदिया भी तो है, इसे पता हो सकता है, क्योंकि आखिरी बार रुशाली को जिंदा इसी ने देखा था। मुझे कैसे पता होगा, मैं तो खाना खाने गई थी। अरे हाँ, बिंदिया जी को तो भूख लगी थी, वो बेचारे खाना खाने गए है ना। लेकिन मैं बताऊं क्या हुआ था, बिंदिया ने चारू को देखा, चारू ने बिंदिया को इशारा किया, बिंदिया ने खून देखा और चुपचाप वहां से भाग गई, और चारू चाकू को साफ करके उसी बस में बैठकर दफा हो गई। सर ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सब मेरी उसे कहा सुनी जरूर हुई थी, लेकिन मैंने उसे नहीं मारा सर। फिर तुम्हारा बटन स्टोर रूम में कैसे मिला? सर मुझे नहीं पता। तो फिर इसे पता होगा सर, शान को, रुशाली को तुम पे शक हो गया था इसलिए तुमने उसे मार दिया। रुशाली को मार के मैं अपने प्लान को बर्बाद क्यों करूंगा? 15 खून की सजा दे दो लेकिन मैं तब भी नहीं मानूंगा कि मैंने रुशाली को मारा है। तो फिर बिंदिया तुम बताओ, रुशाली का खून किसने किया? अगर उसका खून चारू ने नहीं किया, अगर रुशाली का खून शान ने नहीं किया, तो फिर किसने किया है? अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, तुम्ही ने बताया था ना कि तुमने वहां से किसी गाड़ी वाले को भागते हुए देखा था। गाड़ी वाले को? क्यों जतिन? सर मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोग क्या क्या रहे हैं। मैं वहां था लेकिन मैंने भी रुशाली का खून नहीं किया। तुमने रुशाली का खून नहीं किया, चलो तुमने रुशाली का खून नहीं किया, मगर हम जानते हैं कि रुशाली का खून किसने किया है। क्यों मदन जी, है ना? मदन? सर मदन को क्या पता होगा? अब मदन को क्या पता होगा ये तो हम तुम्हें बाद में बताएंगे। फिलहाल एक बात बताओ, क्या तुम्हें याद है वो बस जिसमें रुशाली बैठकर गई थी कॉन्फ्रेंस के लिए? हाँ सर, सब उसी बस की वजह से तो हुआ है। बिल्कुल ठीक, और उसी बस ने रात से पर्दा उठाने में हमारी मदद की है। उस बस में पीछे की तरफ हमें एक उंगली के निशान मिले, और वही उंगली के निशान रुशाली के बॉडी पे मिले। रुशाली की बॉडी पे? जी सर, ये कैसे हो सकता है? जब हमने गोडाउन में बोरियां उठाई रुशाली की बॉडी देखने के लिए, तब हमने देखा। सर हाथ पे ये निशान है, शायद इसने घड़ी पहन रखी थी। रुशाली के हाथ की घड़ी गायब थी, और जब वो जिंदा थी उसने घड़ी पहन रखी थी, और घड़ी चुराने वाला था मदन। लड़की ने घड़ी पहन रखी थी, वो घड़ी कहाँ है? मुझे नहीं मालूम सर, मुझे नहीं मालूम। नहीं मालूम? खून का मामला है, लंबा फंसेगा तू, याद रख। बता। लाता हूँ,
लातो सर। उस घड़ी पर हमें तीन लोगों की उंगलियों के निशान मिले, एक रुशाली, दूसरा मदन और तीसरा जतिन। मेरे फिंगरप्रिंट्स? हाँ, वरना तुम्हें क्या लगा तुम्हारे उंगलियों के निशान हम क्यों ले रहे? घर में फ्रेम करवाने के लिए? बस के पीछे और घड़ी के ऊपर उंगलियों के निशान तुम्हारे मिले हैं। बोलो, रुशाली को क्यों मारा तुमने? हाँ, क्यों मारा रुशाली को? तो क्या करता मैं, उसके इशारे पे पुलिस से मार खाता रहता, ये ना चाहते भी उससे शादी करता। पर वो तुम्हारी मंगेतर थी, उसे बस अपने इशारे पे नाचने वाला खिलौना चाहिए था, और मुझे एक मौके की तलाश। वो मौका तुम्हें मिला ढाबे में, मुझे उसे मारना ही था। गोली से काम नहीं चला तो मैंने दूसरे सेंसर से कॉल किया, ढाबे के पीछे बुलाया। आई, तुम यहाँ? राते के साथ उसने शान और चारू की शिकायत करनी शुरू कर दी। पता मुझे तुमसे कितनी सारी बातें करनी थी, पर तुम यहाँ कैसे? अरे वो मैं, मेरे से उसकी बात बर्दाश्त नहीं हो रही थी। पर वो नहीं जानता क्या करता मैं, क्यों किससे पंगा ले रहे हैं। अब मैं आजाद, अब मैं आजाद। जेल की सलाखों के पीछे सड़ना, इसे तुम आजादी कहते हो? तुषाली के खून के जुर्म में तुम्हें शायद फांसी होगी जतिन, फांसी। ऐसे और भी मजेदार वीडियो के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।